Welcome everybody, it's Waqar Malik. So, life story कुछ इस तरह है कि मैं कुवैत में पैदा हुआ, वहाँ पे पला बड़ा था, फिर वहाँ से US मूव हुए, फिर से फिर कैनेडा मूव हुए थे. तो मैंने अपनी एजुकेशन मैट्रिक स्कूल क्लास करने मैट्रिक पता नहीं कैसे पास की, तो अल्लाह पास कर दिया अल्लाह ने. लेकिन मैंने पास कैनेडा गए, फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की, मैंने बिजनेस मार्केटिंग में अपने ग्रेजुएट किए थे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं गया था इंजीनियर बनने के लिए. मैं बचपन से इंजीनियर बनना है. तो मैंने अपनी वीडियो बनाई, उसमें भी बताया था कि पूरा सेमेस्टर में कर रहा हूँ, मैंने इंटरेस्ट नहीं था. तो मैं एक इटालियन प्रोफेसर था, बड़ा कूल बंदा, और वो मुझे एक साइड पर लेके बोलता है, वकार यार एक इंसान एक आदमी के हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं, है ना, फोर नॉट थम, बोला यू कैन वर्क 20, 30, 40, 50 ऑफ योर लाइफ, सो डू व्हाट यू वांट टू डू इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. तो फिर ऐसा ओके इंजीनियरिंग में मुझे मजा नहीं आ रहा, सो आई लुक्ड इनटू ये. मैंने फिर देखा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, हमेशा पीपल्स पर्सन रहा हूँ, हमेशा अटेंशन और स्कूल प्लेस में, हाँ, टॉकेटिव और स्कूल डांसेस और यू नो हर चीज में इन्वॉल्व होना, और हमेशा यू नो क्या मैं क्यों क्या बोलते उसको आई वाज गेटिंग ट्रबल अ लॉट, यू नो, शरारती भी, लेकिन लेकिन सब जॉली, लेकिन इन्वॉल्व, एग्जैक्टली. तो आई सेड नेचुरली मार्केटिंग एंड सेल्स वो फील्ड मुझे बड़ा अट्रैक्टिव की, सो आई स्टार्टेड गेटिंग दैट. बस जब से वो फील्ड पकड़ी थी, I never looked back. Naturally, I enjoyed it. Finished my schooling. उसके बाद फिर जब मैंने job की journey शुरू करी, started slowly getting into retail. Retail से फिर मैंने upgrade किया, started in communication field. Communication से upgrade किया, got into business communication. And then करते करते फिर eventually just always felt like यार कि मैं gap हो रहा हूँ. Corporate job कर रहा हूँ, 9-to-5 रहते, मेरी personality से match नहीं हो रही थी. Okay. So I said I need to do something on my own, जिसमें ना potential unlimited हो, मैं gap नहीं feel करूँ. तो ये एक मोड़ था जहाँ से वकार ने exactly. And so I said okay, I need to start my own business. फिर जब मैं job कर रहा था, मेरे कुछ mentors थे, उन्होंने एक बड़ी important बात मुझे बताई, मेरे life के rule बन गए हैं कि you understand what the next trends that are coming up. अगले trends 5-10 साल में क्या आ रहे हैं. And understand karo ke if you don't change, how will you grow? So I said, okay, aapne bahut corporate kaam kar liya. I knew mujhe was filmmaking ka ek bug tha. I started hacking for a long time. Unhi dauran mere mere friends ne YouTube start kiya tha. We started getting a lot of publicity on YouTube. To us tarah karte karte aise okay, you know what? Bahut mehnat karke, bahut paise jama karke, sab kuch karke, we started making feature films. To humne ek project kiya tha. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था. आई थिंक इट वुड हैव बीन द फर्स्ट मूवी दैट वुड हैव रियली मेड अ मार्क हियर इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली. और वो कनाडा में बनेगी, उसमें सारे नए आर्टिस्ट होंगे, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स होंगे. मैं अपने सारे आर्टिस्ट दोस्तों को मौका देना चाह रहा था. एंड हमने ये किया कि सारे इंडियन और पाकिस्तानी को मिक्स करके एक मूवी बनाई, यूनिटी दिखा के, और बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी बन रही थी. ओके, उन्हीं दिनों ये इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. एंड हमने मूवी पूरी खत्म कर ली, सब कुछ कर लिया, पैसे इन्वेस्ट हुए, में मेरा अपना पर्सनल करियर इन्वेस्ट हुआ है, बस मैं एक लीड एक्टर आ रहा हूँ, एंड मेरे कितने दोस्तों के करियर, बहुत सारे लोगों की होप्स अटैच थी इस मूवी के साथ. लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम हुई तो अचानक मूवी रुक गई, और मूवी रुकने के बाद सारे पैसे भी रुके, फिर इन्वेस्टर्स आपके ऊपर खड़े हुए, एंड देन आपके अपने पैसे लगे हुए हैं, फिर लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं, अब मूवी फंसी हुई है, जितना देर फंसेगी उतना पुराना होती जाएगी, उतना रेलिवेंट नहीं होगी. तो इट जस्ट गेट्स रियली रियली हार्ड. तो उन उस मौके के बाद जब अचानक पता चला कि वी कैन नॉट रिलीज द मूवी, मैं तो लाइक जमीन निकल गई पांव से, राइट. आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट डिप्रेशन एंग्जाइटी मैं खुद गिल्टी फील करता हूँ. होता है डिप्रेशन कुछ नहीं होता, जस्ट स्नैप योर फिंगर एंड मूव अवे, कुछ नहीं होता, जस्ट माइंडसेट है सारा. जब आपको होता है ना, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. तो अचानक उसके बाद ना मैं समझा कि मेरी लाइफ बिल्कुल बन गई है, मैं ऐसे फील्ड में आ गया हूँ कि मैं क्रिएटिव काम भी कर रहा हूँ और मैं कैमरे के सामने भी आ रहा हूँ. आई जस्ट फेल्ट कंप्लीट कि मेरी क्रिएटिव पूरा एस्पेक्ट शुरू हो रहा है और मेरा बिजनेस का भी साथ चल रहा है. फिल्म मेकिंग आई लव इट बिकॉज अब एज अ बिजनेस इट हैज़ पोटेंशियल, ट्रेंड में है, आप उसको एंजॉय, मैं उसको एंजॉय करता हूँ. नेचुरली आई कैन मेक गुड मूवीज,
फिर जो मेरा एक्टिंग का बग है आई कैन फुलफिल दैट एज वेल. तो मेरे पूरा कंप्लीट 360 हो चुका था. एंड इतना ऊपर करके उस वक्त दो तीन साल पहले पाकिस्तानी एक्टर भी कुछ नहीं थे, सब दे वर ऑल न्यू, हानिया टू हसन एवरीबॉडी वाज ऑल न्यू, इकरा एवरीबॉडी. सो आई थॉट कि यार ओके दिस इज इट, दिस इज माय टाइम, मूवी निकलेगी, मैं एज अ लीड एक्टर निकलूंगा तो मेरी लाइफ का पाथ सेट. उसी वक्त ही इतनी उम्मीदें लेकर अचानक मूवी पर एंड दैट. और एक और बहुत गलत बात हुआ था कि उस वक्त यूट्यूब पे अच्छा खासा मकाम था. मी शाम और दीज गाइज़ वर ऑल टुगेदर, वी स्टार्टेड यूट्यूब टुगेदर. पाकिस्तान में वाज मी शाम ज़ैद एंड शाविर, इज फोर ऑफ अस. एंड मुझे बोला गया था कि यार आपको यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा इफ यू वांट दिस मूवी टू बी ऑल. उस वक्त यूट्यूबर्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं बोलूंगा, इतनी वैल्यू नहीं थी. तो आई लेफ्ट यूट्यूब, तो यूट्यूब रुक गया, आई कुडंट गेट बैक टू यूट्यूब. मूवी रुक गई, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो गए, बिजनेस रुक गया था क्योंकि अब बिजनेस ही चल रहा था, मूवी बनाने के लिए 7-8 महीने पूरी लाइफ पे लगे थे. सो ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग स्टॉप्ड. एंड एक बंदा जो 8-10 साल से स्ट्रगल कर रहा है, मोटिवेटेड है, हैप्पी है, ऑलवेज यू नो हैप्पी अबाउट नेक्स्ट स्टेप, अचानक ही जस्ट वेंट डाउन द ड्रेन. उधर पता नहीं क्या हुआ यार, आई जस्ट, मुझे अभी भी याद, मैं कोने में बैठा करता था फॉर डेज इन माई रूम एंड आई डोंट वांट टॉक टू एनीबॉडी. मैं कुछ नहीं पता क्या कर रहा हूँ एंड आई वाज जस्ट बीइंग दिस डार्क नास्टी प्लेस. दुनिया को अलग तरीके से देख रहे हो. Then I understood what really depression, anxiety meant. So it took me 6-7 months at least to get out of my funk. But sugar, I have really good family aspas, अच्छे दोस्त आसपास थे जिन्होंने मुझे give up नहीं किया, जो मुझे support करते रहे. मैंने एक अच्छी बात की थी कि जब भी आप depression, anxiety में, तो अपने आप को दुनिया से cut कर देते हैं. मैंने ये किया था कि मैंने अपने आप को अपने loved one से cut नहीं किया था, तो वो मुझे हमेशा थोड़ा पकड़ के रखते थे, वरना मैं बहुत दूर चले थे, मैं शायद वापस नहीं आ सकता उस depression से. उन्होंने मुझे खींचा इंशाल्लाह. फिर एक साल, दो साल के बाद ऐसे ही नो इट्स टाइम यार कि जिंदगी इस तरह तो नहीं चले वाली. एंड रियली थैंक यू टू माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, उन्होंने मुझे की मोटिवेट करते रहे. देन आई गॉट बैक अगेन. दैट्स ओके, लेट मी स्टार्ट विद म्यूजिक. म्यूजिक से स्टार्ट करता हूँ. एंड म्यूजिक से स्टार्ट करके यू नो जब यूट्यूब पर हम टूर किया करते थे तो आई जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग ऑन स्टेज जस्ट फॉर फन, ताकि ना 40 मिनट का स्लॉट है कैसे फिल करूँ यूट्यूब के दिनों में. हम 10-15 मिनट स्नैपचैट बना ली, 5 चीज़ें कर ली, लेकिन आधा घंटा में क्या करूँगा. सो मी एंड शाम ऑल ऑफ अस यूज़ टू सिंग ऑन स्टेज, पीपल लव्ड इट. वो जो हाई मिलती थी ना वो क्राउड से, वो हाई आई कैन नेवर फॉरगेट. तो इससे ऐसे ओके नो बुकार, लेट्स स्टार्ट विद म्यूजिक, थोड़ा छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर मूवी पे अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाएगा दोबारा कुछ करके यू नो. अब म्यूजिक मैंने स्टार्ट की थी मोटिवेशन से, बड़े कदम उठाए, बहुत बड़ी म्यूजिक वीडियो शूट की, ये वो लम्हों में ऑल दीज मूवीज, हम लोग कैरेबियन गए, आइलैंड्स में जाके शूट की थी उसको. एंड ऐसे ओके मूवी गानों में आ रहा हूँ, तरीके से आऊँ, बड़े लेवल से आऊँ इंशाल्लाह, एंड आई विल मेक माय मार्क. मैंने कुछ प्रोड्यूसर के साथ काम किया था, पाकिस्तान में थे कुछ प्रोड्यूसर अनफॉर्चुनेटली. एंड कुछ लोग होते ना एक इंडस्ट्री को कुछ लोग बदनाम कर देते हैं. एनी वेज आई वर्क विद दीज प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मुझे 2-2.5 साल में कैसे तरीके से उन्होंने मुझे पकड़ के रखा हुआ. पहले गिरा, मुश्किल से उठा, फिर अचानक गिर गया. अब फिर उठने में कैसे उठूं समझ नहीं आई. पर आई थिंक इस बार यू नो बोलते हैं कि यार अल्लाह पे भरोसा करो, राइट? आई मीन जो भी आपका रिलेशन हो जो भी है, लेकिन अल्लाह का सहारा लिया somehow. मेरे किसी ने बोला था कि यार You know, बस 2 हफ्ते नमाज पढ़ एंड देख क्या होता है, क्या होगा 2 हफ्ते में, मैजिक है क्या होगा. एंड जब कोई ऑप्शन नहीं होती ना, हर चीज कोई भी नहीं थी. एंड ऐसा रुके मैं आल ट्राई, मैंने सब मैं जो भी देखी जाएगी यार. 2-3 दिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1 हफ्ता कुछ फीलिंग आना शुरू हुई. 2 हफ्ते जब आ रहे थे वो तो 2 हफ्ते से बोल देते मे बी शायद अल्लाह का कोई मेरेकल आ रहा ना हो, शायद 2 हफ्ते मुझे हो गया, कुछ लोगों को 3 हफ्ते हो, कुछ 1 हफ्ता हो ना, जब अल्लाह की मान लिया. पर अंदर एक सुकून आना शुरू हो गया था, आई डोंट नो हाउ, एक सुकून अंदर आना शुरू हो गया था. और उस सुकून ने मुझे फिर कंफर्टेबल किया कि यार ओके लाइफ इज गुड, यू आर हेल्थी, हमारे 2 आंखें हैं, हाथ है, पांव है, फैमिली है, सब कुछ है, क्या मसला है, यू नो. ऐसा ओके वकार, गेट बैक अप अगेन. और मैं फिर ऑनलाइन अपने आप को माइंड सेट को मैंने मौका ही नहीं दिया कि मैं कोई नेगेटिव चीज सोचूं. सारा दिन जे शेट्टी की वीडियोज देख रहा हूँ, रॉक की वीडियोज देख रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज देख रहा हूँ, यू नो लाइक गैरी वी की वीडियोज देख रहा हूँ, just to keep make sure that my mindset is frame mein hai. And then I got back on Instagram and YouTube. Aur I think jo meri choti badi fan base reh gayi thi wo they never left me and I'm really thankful to those fans. Jo bhi 50-80,000 hai abhi, you know, they never left me. Unke motivational messages aate rehte the.
कि वकार वी लव यू वी मिस यू वेयर आर यू कम बैक सो देन आई स्टार्टेड डूइंग ओके लेट मी जस्ट कम बैक एंड डू सम मोटिवेशनल थिंग्स जस्ट टू टेल पीपल यू नो उससे तो हेल्प हुई एंड देन आई सेड ओके फाइन कम टू शव बड़े पंगे लेके कुछ अथॉरिटी लेके कुछ पावरफुल लोगों को लेके मैं अपनी फाइलें मंगवाई यू नो म्यूजिक जर्नी स्टार्ट करी एंड देन आई सेड वकार इट्स टाइम दो तीन साल निकल गए हैं लेट्स ट्राई टू द मूवी अगेन अब अल्लाह का शुक्र था कि जब भी काम किया रिस्पेक्ट से किया ऑनेस्ट होके किया किसी को कुछ बुरा नहीं चाहा तो जो इन्वेस्टर्स पहले भी इन्वॉल्व थे जो लोग पहले इन्वॉल्व थे जो मेरी टीम पहले इन्वॉल्व थी दे ऑल केम बैक एंड दे ऑल सपोर्टेड मी दे गॉट मी उन्होंने फिर मुझे अपने पांव में थोड़ा खड़ा किया अल्लाह शुक्र है वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम सो आई कैन गिव यू ऑल द डिटेल्स बट नाउ आई एम इन दैट पोजीशन के मेरी माम की दुआएं जो भी हो मेरी अपनी मोटिवेशन जो भी हो मेरे लोगों ने जो सपोर्ट किया था मेरी अपनी विल टू फाइट जो नहीं रुकी All that stuff, you know. मेरी स्टोरी देख के लोग इतना करें कि दो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि अपने माइंड को वो एक्सपैंड करें कि लिमिटेड मत सोचें जो अचीव करना है जस्ट ड्रीम अबाउट इट एंड जस्ट वर्क ऑन इट लेकिन एक टनल विजन के साथ उसके आप लगे रहो उनके रास्ते निकल आएंगे चाहे आज नहीं चाहे कल नहीं चाहे जब भी हो रास्ते निकलेंगे अगर आप अपने गोल के पीछे लगे रहोगे एंड ड्रीम बिग यू डोंट हैव टू ड्रीम स्मॉल इफ यू आर हैप्पी विद स्मॉल ग्रेट बट इफ यू वांट टू अचीव द वर्ल्ड Go for it. Just try. Risk lo. Ghuso. Karo. And so I hope ke logon ki mentality khule inshallah. And then the next thing is yaar ke, you know, hamare yahan mein hota hai ki hum log apne family se door ho jate hain, friends se door ho jate hain jo aapko support nahi kar pate. Unko family ko explain karo, unko nahi samajh aati. Patient raho. Lekin unke pyar ko accept karo aur sabhi motivation banao aur apne raste pe lage raho. And you know, achhi knowledge ho aapko kisi field ke bare mein. तो आप सक्सेस पा सकते हो चाहे फोटोग्राफर हो चाहे इंजीनियर हो हर चीज़ में पैसे हैं हर चीज़ है सो आई थिंक जो भी ये देख रहा है यू नो आई होप कि मेरी स्टोरी थोड़ी आपको शायद रिलेट कर पाए शायद समझ आए नहीं समझ आया नो लेकिन व्हाटएवर यू डू इन लाइफ यार लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट और मेक श्योर यू गो फॉर व्हाटएवर यू ड्रीम फॉर एक लाइफ है और ये नहीं सोचना कभी जब आप बड़े हो गए यू 60s के यार काश मैंने कुछ ट्राई किया होता सो इवन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर मी जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ अगर मुझे हिम्मत तो मैं करता हूँ ताकि मैं ये नहीं पूछूं बड़े होकर यार कि काश मैंने किया होता क्योंकि वो आपको फिर बहुत हार्म करता है सो डू व्हाट यू हैव टू डू गुड लक एंड जस्ट स्प्रेड लव एंड पीस यू नो थैंक यू सो मच